हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू अयर ब्यूटीफुल चैनल सिविस फिजिक्स ट्यूटोरियल द प्लेस वेर यू लर्न द जगास् थिंग्स इन द फिजिक्स सो यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स उसमें हम लोगों ने देखा था एक तो देखा था सिस्टमेटिक एरर और देखा था रैंडम एरर और वहाँ से ट्रू वैल्यू कैसे फाइन करते थे वो देखा था और यूजिंग ट्रू वैल्यू हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइन करते हैं ठीक है मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देखा था ठीक है तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वेरी वेरी मोस्ट आई इसका यूज ट्वेल्थ में भी होगा जब जब जब, जब भी कभी परसेंटेज की फाइंड करने की बात आएगी तब तब मैं आपको याद कराऊंगा कि एरर्स में हम लोगों ने इस टाइप का फॉर्मूला यूज किया था इज़ इट क्लियर कहाँ पे होता है पता है कहीं पर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनिशियल लेंथ इतनी थी इसकी लेंथ में इतना इंक्रीमेंट किया तो परसेंटेज मीन्स के लेंथ में क्या चेंज आया रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक का मैं डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कराऊँगा आपको वहाँ पे आना चाहिए ठीक है तो अभी तो यहाँ पे इनिशियल इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर एरर्स बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुपर चैप्टर है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इसका मीनिंग क्या होता है देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ उसके दो डायमेंशन में चेंज आ रहा है देखो यहाँ पे सपोज मैं बात करूँ स्क्वायर की ये स्क्वायर है ठीक है इनिशियल इसका एल इंटू बी ये ए है ये बी है ऐसा सोचो इनिशियली अभी मैंने क्या किया सोचो इसको खींचा अरे इसको खींचा तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आया इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट आया समझ में आ रहा है अगर आप ऐसे खींचोगे तो बी की लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा ए की लेंथ में डिक्रीमेंट आएगा मीन्स एक एट एनी इंस्टेंट देर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज उसमें चेंज आ रहा है तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यूज करना पड़ेगा यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सेग इज इट क्लियर टू डी ऑब्जेक्ट है देखो यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो सपोज आपने लिया सर्कल ठीक है अभी तो रेडियस सेम है आर आर डायमीटर भी सही में आ रहा है लेकिन आप इसको यहाँ से खींचोगे तो ये डायमीटर इंक्रीज होगा ये डायमीटर डिक्रीज़ होगा समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का यूज़ करते हैं तो आइए चलिए इसमें देर फाइव मेथड पहला आएगा सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट एंड पावर ओके तो आइए चलिए हम और आप मिलके करते हैं स्टार्ट तो पहले एरर इन टू क्वांटिटीज सोचो कि इनिशियल लेवल पे ये स्क्वायर है इसका मेजरमेंट ए है इसका मेजरमेंट बी है मैंने बोला था एरर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है एरर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो मैं एरर को प्लस और माइनस से डिफाइन करूंगा ये चीज ध्यान में रखना ठीक है अभी क्या हुआ सोचो कि इसमें इसके डायमेंशन में चेंजेस आया तो कितना चेंज आ सकता है ए प्लस और माइनस डेल्टा है तो मैंने लिख दिया देखो ए इज इक्वल टू ए प्लस और ये मेजर्ड वैल्यू है मेजर्ड पहले इनिशियल इतनी थी मैंने मेजर्ड की तो मेजर्ड की तो क्या लिए? हम लोग लिखते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए जितना ये डायमेंशन में चेंज आएगा तो सिमिलरली अगर मुझे बी लिखना है तो बी प्लस और माइनस डेल्टा पी इस डाइमेंशन में चेंज आएगा इज इट क्लियर समझ में आ रहा है तो अगर मुझे टोटल कितना चेंज आया टोटल कितना चेंज आया तो टोटल चेंज मैं लिख सकता हूं जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड सर जेड ही क्यों लिखा अरे कुछ भी लिख सकते हो मुझे एडिशन करना है तो तीसरी क्वांटिटी चाहिए मैंने जेड लिख दिया जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड ये क्या बताएगा कि पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है उसमें कितना चेंजेस आया तो लेंथ में चेंजेस प्लस विड्थ में चेंजेस अरे एल में चेंजेस बी में चेंजेस तो टोटल चेंज मिल जाएगा दोनों का एडिशन कर दो सो वी विल राइट जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी तो इनिशियली इसका मेजरमेंट क्या था तो so, इनिशियली इसका मेजरमेंट था जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी टोटल मेजरमेंट देखो मैंने यहां पे लिखा है इनिशियली मेजरमेंट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी ओके अभी चेंज कितना आया तो इसमें चेंज आया z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा z. ये टोटल क्वांटिटी में मुझे चेंज फाइंड करना है तो एक क्वांटिटी में चेंज मेरे पास है a प्लस डेल्टा है दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज है b प्लस डेल्टा b तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो a प्लस बी उसको एक साथ रख दिया ये दोनों में से प्लस और माइनस को कॉमन निकाल लिया प्लस और माइनस कॉमन तो क्या बचेगा प्लस और माइनस कॉमन निकालेंगे तो डेफिनेटली ब्रैकेट में प्लस ही बचता है माइनस नहीं ये चीज ध्यान में रखना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी तो इसको मैंने इक, इसके साथ इक्वॉट किया तो z इज इक्वल टू तो ए प्लस बी है z इज इक्वल टू तो ए प्लस बी है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ठीक है प्लस और माइनस प्लस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा z टोटल सिस्टम में कितना एरर मिला डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वेरी वेरी मोस्ट आई तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि टोटल एरर का एडिशन हो रहा है टोटल एरर का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है इज इट क्लियर समझ में आया देखो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सपोज आपको लेंथ दी है L लेंथ दी है आपको वन प्लस और माइनस पॉइंट और वर्थ दी है आपको टू प्लस और माइनस पॉइंट सिक्स तो आपको पूछा है फाइंड द एरर फाइंड द एरर एल प्लस बी पूछा है एल प्लस बी ओके तो बोलो एरर में क्या होगा एडिशन होगा पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन एरर आ गई आपकी ठीक है और एक्चुअल वैल्यू टू प्लस वन क्या होगी थ्री तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो थ्री प्लस और माइनस पॉइंट नाइन अरे समझ में आया क्या इज इट क्लियर और नॉट सर आपने तो यहाँ पे वोला वो कर दिया हमें मैं यहाँ पे पैरी पैरीमीटर फाइंड कर रहा हूँ ऐसा सोचो ना स्क्वायर का पैरेमीटर हम कैसे फाइंड करते हो सभी साइड का एडिशन इसका एडिशन इसका एडिशन इसका एडिशन इसका एडिशन ऐसे भी कर सकते हो इज इट क्लियर अदरवाइज़ आप ये और ये भी कर सकते हो ये मतलब मैं प्लस का फंडा है समझ में आया अगर इसमें चेंजेस आ रहा है तो सीधी बात है कि इसमें चेंज आएगा इसमें भी चेंज आएगा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं ना हाँ जी सर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ये हमें पता चल गया प्लस वाला फंडा चलो डिफरेंस की बात करते हैं एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज सपोज मैं दो क्वांटिटी में डिफरेंस लगा रहा हूं तो z इज इक्वल टू यहां पे एक्चुअल वैल्यू a यहां पे एक्चुअल वैल्यू b तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू a माइनस बी जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी ओके तो व्हाट इज द एरर इन डेल्टा z इन z तो देखो यहां पे कोई सेम स्टेप रिपीट होगा z प्लस और माइनस डेल्टा z यहाँ पे ए की वैल्यू ए का डायमेंशन में कितना चेंज आया ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस करना है तो माइनस का साइन बी प्लस और माइनस डेल्टा पी माइनस का साइन अंदर एंटर करो अगर माइनस के साथ प्लस और माइनस देखो यहाँ पे ये तो माइनस बी हो गया माइनस प्लस और माइनस तो वो प्लस और माइनस ही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो मैंने क्या किया देखो इसको और इसको साथ में रख दिया ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस और माइनस और यहाँ माइनस एंटर होगा तो ये तो प्लस और माइनस ही रहेगा तो इसमें से प्लस और माइनस इसमें से प्लस और माइनस कॉमन निकाल लिए, तो सर यहां पे माइनस आना चाहिए ना ऐसा नहीं होता ये प्लस और माइनस ही रहेगा देखो मैंने यहां पे बताया माइनस है प्लस और माइनस अंदर एंटर करोगे तो ये प्लस माइनस 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 प्लस तो बन तो वही गया ना प्लस और माइनस अरे दोस्त ऐसा है सोच माइनस प्लस और माइनस फाइव मेरे पास है ठीक है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस 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 क्या होता है प्लस क्या बन गया माइनस प्लस फाइव पर अब हुआ तो वही ना प्लस और माइनस फाइव लिखोगी माइनस प्लस फाइव लिखो बोथ आर सेम तो यहां पे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने प्लस और माइनस कॉमन निकाल लिया फिर भी ब्रैकेट में, में मेरे पास क्या बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यह चीज़ बहुत बढ़िया थी ए माइनस बी इज इक्वल टू तो जेड है मेरे पास मैंने लिख दिया तो इसके साथ कंपेयर किया Z से Z कैंसिल तो डेल्टा Z मुझे मिलता है डेल्टा A प्लस डेल्टा B वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी थप्पा लगा के लिख देना चाहे दो क्वांटिटी का एडिशन हो चाहे दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन हो लेकिन एरर में तो ऑलवेज एडिशन ही होता है देखो यहाँ भी एडिशन यहाँ भी एडिशन इज इट क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो थप्पा लगा कि फाइव स्टार का थप्पा लगा दो तो वहाँ पे एरर का ऑलवेज क्या होगा एडिशन एरर का ऑलवेज क्या होगा एडिशन एरर का ऑलवेज क्या होगा एडिशन जो भी मेन वैल्यू है उसका होगा देखो जेड है तो ए माइनस बी इसका सब्सट्रिक्शन होगा लेकिन एडिशन तो एरर का तो एडिशन ही बनेगा वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी ये ध्यान में रखना एरर का क्या बनेगा एडिशन एरर का क्या बनेगा एडिशन एरर का क्या बनेगा एडिशन इज इट क्लियर समझ में आया चाहे वो एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज हो चाहे वो एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज हो लेकिन एरर का तो ऑलवेज क्या बनेगा एडिशन बनेगा इज इट क्लियर एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन ओके आइए चलिए देखते हैं एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज देखो इसमें दो मेथड है जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो देखो पहली मेथड कैसी है देखो ये वाली सपोज हमें दिया है कि सपोज दो मेजरमेंट हम लोगों ने किए ए इज़ इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी इज इक्वल टू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी अभी ये दो क्वांटिटी देखो पहले हम लोगों ने देखा एडिशन में बाद में देखा सब्सट्रैक्शन में तो लेट अभी हम किस में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लिकेशन जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी ओके सो व्हाट इज द एरर वी विल राइट जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखेंगे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी दैट्स इट अभी कुछ नहीं करना मल्टीप्लीकेशन कर दो सो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ध्यान से समझना इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पे बनेगा ए इंटू बी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो प्लस और माइनस ए डेल्टा बी अभी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी और प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी दोनों ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया बोलो इज इट क्लियर बट ए बी इज इक्वल टू तो क्या है मेरे पास जेड है तो मैं इसको ऐसे मैं ये जेड ये जेड कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दीज टू क्वान्टिटीज आर इक्वल सो वी विल राइट प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू ए ऐसा लिख सकते हो ना अदरवाइज ऐसा कर दो चलो यहां पे जस्ट अ मिनट हा जस्ट अ मिनट ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अभी हम लोगों ने क्या किया लेफ्ट साइड उसको z से और राइट right साइड उसको ab से डिवाइड कर दो क्या कर दो डिवाइड सर ऐसा क्यों लेफ्ट साइड Z और राइट right साइड AB? देखो Z इज इक्वल टू ए है मुझे यहां पे AB की जरूरत है तो मैं AB से डिवाइड करता हूं यहां पे Z की जरूरत है तो Z से डिवाइड करता हूं अगर मैंने Z से डिवाइड किया तो यहां पे क्या बचेगा वन प्लस और माइनस डेल्टा Z अपॉन Z। हां जी सर यहां से AB से डिवाइड किया तो यहां पे बचेगा वन प्लस अरे ये डेल्टा बी पूरी क्वांटिटी है हाँ तो यहां पे बी बी कैंसिल करके डेल्टा सर ए बी ए बी कैंसल सिर्फ डेल्टा ऐसा नहीं होगा डेल्टा बी वो चेंज है और बी है वो पूरी क्वांटिटी है तो डेल्टा बी अपॉन बी आए तो बी बी कैंसर डेल्टा ऐसा मत लिखना समझ में आ रहा है क्या हाँ जी सर अच्छा हुआ आपने बता दिया नहीं तो हम तो ऐसा ही करने वाले थे हाँ जी सर चलो इसको ए बी से डिफाइन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस और माइनस सर यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा डेल्टा ए बी ये तो साथ में है क्या नहीं b डेल्टा ए भी है यहाँ पे बी बी कैंसल तो यहाँ पे बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी यहाँ पे किससे डिवाइड किया z से यहाँ पे किससे डिवाइड किया ए बी से तो यहाँ पे ये भी मत करना ए बी बी कैंसल ये पूरी क्वांटिटी ही अलग है डेल्टा है मीन्स चेंज बताता है डेल्टा बी मींस चेंज मीन्स एरर बताता है ये एरर है ये ओरिजिनल क्वांटिटी है अरे समझ में आ रहा है एरर ओरिजिनल डायमेंशन यहां से ये कैंसिल कर दोगे सर डेल्टा 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 स्क्वायर नॉट पॉसिबल इज इट क्लियर नोट करके लिख लेना डेंजर का साइन करके लिखना दिस वन इज डेंजर ओके सर चलो 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 देखो यहाँ पे ये प्लस और माइनस यहाँ पे आएगा देखो वन से वन कैंसिल हो गया सो वी विल राइट अभी देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी ऑलरेडी छोटी है तो ये तो डिफरेंस छोटा छोटा डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम निग्लेट कर सकते हैं सर समझ में नहीं आया देखो एक तो पॉइंट वन है सोचो ये पॉइंट वन है ये भी पॉइंट वन है अगर इसका पॉइंट वन पॉइंट वन का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये तो बहुत छोटा बन जाएगा ना जीरो पॉइंट जीरो वन बन जाएगा मीन्स ये दोनों के कंपेरिजन में ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी बन जाएगी तो इसको हम करते हैं निगलेट इसको हम क्या करते हैं निगलेट सो वॉट इज द आंसर तो हमारा सर आंसर बना डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन ओके फाइन दिस वन इज अवर आंसर इसको पहले इसको बाद में ऐसा भी लिख सकते हो तो सर क्या हुआ प्रोडक्ट रूल में तो प्रोडक्ट रूल में सर एरर फाइंड करनी है ना तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं दिस वन इज एरर डेल्टा z z को यहां पे जाने दो सो so, जेड डेल्टा a अपॉन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी दिस वन इज़ अवर आंसर फॉर फाइंडिंग एरर इन प्रोडक्ट कोई भी दो क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है आपको एरिया की एरिया में एरर फाइंड करना है तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो अरे समझ में आया सर अगेन एक बार समझा दो ना चलो समझ लेते हैं सोचो कि यहाँ पे कोई ए एरिया दिया है रेक्टेंगल का एल इंटू बी ए इंटू बी ए में एरर आई ए प्लस माइनस डेल्टा बी में एरर आई बी प्लस और माइनस डेल्टा बी ठीक है B तो मुझे फ़ाइंड करना है z प्लस और माइनस डेल्टा z ठीक है तो इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर दिया पहले इसका इसके साथ ए बी इसका इसके साथ ए डेल्टा बी इसका इसके साथ इसका इसके साथ तो फोर टर्म हमारे पास आ गए ठीक है यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ए बी है तो यहाँ पे z दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड को z से और राइट हैंड साइड को ए बी से डिवाइड किया ठीक है डिवाइड करने से हमें ये मिलता है ओके समझ में आ रहा है क्या इज़ इट क्लियर तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है इसको हम निगलेट कर देते हैं ओके तो व्हाट इज द आंसर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए सर ये निगलेट बिगलेट वाला चीज़ हमें माइंड में नहीं जा रहा है कुछ अच्छा और बढ़िया सा बढ़िया तरीका दिखा होना देखो एकदम शॉर्ट फार्मूला एकदम शॉर्ट सर आप बोलोगे मज़ा आ गया क्या आ गया मज़ा आ गया बोलो सीखना है क्या हाँ जी सर सीखना ही है ना ऐसा थोड़ी ना होता है आओ आपको याद है क्या सर क्या याद होगा मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स सिखाया था ये इसीलिए मैंने आपको सिखाया था आपको कुछ याद है क्या लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन एक्स हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा याद है ओके लॉग जेड का क्या होगा वन अपन जेड लॉग ए का क्या होगा वन अपन ए लॉग बी का क्या होगा वन अपन बी इज इट क्लियर अरे समझ में आया था लेकिन सर आपने तो ऐसा सिखाया था देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो इसका बनता है वन अपॉन एक्स अभी आप सिर्फ डी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अगर आपने ऐसा बोला था कि डी ऑफ लॉग एक्स तो ये तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है तो d ऑफ log x तो हम लिखते थे इसको वन अपॉन एक्स और अभी x का डिफ्रेंशिएशन बाकी तो ये dx अरे वही हुआ ना ये dx नीचे था वो सामने चला गया देखो वही तो आंसर आया ठीक है ये डी क्या बताता है स्मॉल चेंज क्या बताता है स्मॉल चेंज अगर ये चेंज फाइनाइट है तो आप डी एक्स को फाइनाइट तो चेंज हो तो आप क्या लिख सकते हो डेल्टा एक्स लिख सकते हो क्या लिख सकते हो डेल्टा एक्स अगर फाइनाइट चेंज बहुत इतना स्मॉल भी नहीं थोड़ा ज्यादा ज्यादा चेंज है तो आप क्या लिख सकते हो डेल्टा एक्स लिख सकते हो हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा माइंड में आया तो सही डिफ्रेंसिएशन समझ में आया तो आपको मैं समझाऊंगा डिफ्रेंसिएशन समझ में आया क्या सर लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स लॉग जेड का क्या होता है वन अपॉन जेड वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स वन अपॉन जेड इंटू डी जेड डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू नहीं डिफरेंशिएशन ये तो log का रूल लगा वन अपन वाला जेड का बाकी ना डी जेड ये तो लॉक का रूल लगा वन अपॉन एक्स वाला एक्स का बाकी ना डी एक्स छोटी छोटी चीजों का भी डिफ्रेंसिएशन करने का इज इट क्लियर समझ में आ रहा है क्या अगर आप ये डीएक्स को नीचे ला दो तो ऐसा बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड मैंने उसको सामने चला सामने जाने दिया इज इट क्लियर सर क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा देखो फेल दिलाता हूँ आपको आप बोलोगे सर मजा आ गया यही चीज मुझे बहुत पसंद आई आइए चलिए देखो यहाँ पे वी नो दैट Z इज इक्वल टू ए इंटू बी बोलो कोई प्रॉब्लम मैंने क्या किया टेकिंग लॉगेदम बोथ साइड हाँ जी सर लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी बोलो कोई तकलीफ मैंने वहाँ पे आपको ये भी सिखाया था क्या सिखाया था सर लॉग ए इं टू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी हाँ जी सर याद आ रहा है कुछ कुछ तो देखो यहाँ पे लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग भी अगर लॉगे ने दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इज इट क्लियर और नॉट मैंने अब भी बताया नाउ डिफ्रेंशियट बोथ साइड हम दोनों साइड क्या करते हैं डिफरेंशियट बोथ साइड देखो बहुत मज़ा आने वाला है डिफरेंशिएट बोथ साइड लॉग जेड का क्या होता है वन अपन जेड और z का क्या बनता है सर जी डी जेड अब भी बोला आपने हाँ जी हाँ जी लॉगे का क्या होता है वन अपन ए इंटू डी ए लॉक बी का क्या होता है वन अपन बी इंटू डी बी मैंने अब भी बोला ये डी जेड है उसको आप डेल्टा z चेंज लिख सकते हो तो लिख दो यहाँ पे हाँ सर बहुत बढ़िया ये फार्मूला क्या बनता है डेल्टा z अपन जैड इज़ इक्वल टू डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपन बी सर हमारा काम तो हो गया बहुत ही आसान अरे समझ में आया क्या नहीं इज इट क्लियर तो आप इस मैसड इस मेथड से भी कर सकते हो बाई यूजिंग लॉके रिधम इज इट क्लियर मैं यही कराऊंगा आपको ये नहीं कराऊंगा ओके okay? कुछ काम की नहीं है ये ये कौन सा ये निगलेट करेगा बहुत स्मॉल होती है तो निग्लेट करते ये वो सब बोलो समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं ना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ये मेथड याद रखना जब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में होती है किस में होती है मल्टीप्लिकेशन में होती है, में होती है? ठीक है ये z z equal to what तो a into b जब भी कोई दो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है उसमें अगर हमें एरर फाइंड करनी है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी विल फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी विल फाइंड इज इट क्लियर पुज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा हाँ जी सर अगर एरर डिवीजन में हो तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे सपोज हमें कोई डायमेंशन दिया है ऐसे क्वांटिटी z इज इक्वल टू ए अपॉन बी ऐसे मेजरमेंट किया है ठीक है तो सेम रूल टेकिंग लॉगरिजम बोथ साइड लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी तो यहाँ पे लॉग z लॉग में इसमें इसमें रूल क्या था लॉग a माइनस लॉग बी ठीक है अभी यहां से जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो हम एरर कैलकुलेट करते हैं क्या कैलकुलेट करते हैं एरर कैलकुलेट करते हैं और मैंने आपको बताया था एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरर कभी भी नेगेटिव नहीं आती वो ऑलवेज कैसी बनती है पॉजिटिव ही बनती है सो वी विल राइट log z का क्या बनेगा 1 z और z का dz log a का 1 a और da ये माइनस ये प्लस क्यों आया समझ में आया मैंने बोला वो एरर ऑलवेज क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव अरे पहले दो केस में देखा ना हमने आप एडिशन करो सबस्ट्रिक्शन करो लेकिन एरर ऑलवेज क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी ठीक है तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव हुआ है अपॉन वेरी वेरी मोस्ट अगर देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी यही टर्म आ रहा था डिवीजन में भी यही टर्म आ रहा है कोई बात नहीं कोई गल नहीं बस यही करने का लेकिन यहाँ पे ख्याल रखने का कि यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या बनता है a अपॉन बी वहां पे z इज इक्वल टू क्या बन रहा था a इंटू बी बाकी ये दोनों टर्म रिमेन्स एज इट इज बीच में प्लस ही आएगा इज इट क्लियर एग्जाम्पल करेंगे और बढ़िया मजा आएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ओके okay? चलो पावर का फंडा देखो अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन में इस टाइप का ए रेस टू पावर पी बी रेस टू पावर क्यू सी रेस टू पावर आर इसमें क्या करेंगे सेम टेकिंग लॉगेरिदम बोथ साइड देखो यहां पे लॉग लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होगा और डिवीजन में सबस्ट्रेक्शन होगा सो वी विल राइट लॉग ए रेस टू पी प्लस लॉग बी रेस टू क्यू ये डिवीजन में है माइनस लॉग सी रेस टू आर लॉगे का रूल क्या है पावर आगे आ जाएगा तो पावर को आगे रख दो p log a q log b r log c यहां पे q आएगा ओके okay? बस अभी डायरेक्ट भी आप कर सकते हो देखो ये वाला टर्म तो आपके पास आ गया तो डायरेक्ट क्या बनता है डेल्टा z अपन जेड डेल्टा z अपन जेड यहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में p रहेगा डेल्टा a अपन ए मल्टीप्लीकेशन में यहां पे q रहेगा डेल्टा b अपॉन बी और मल्टीप्लीकेशन में r रहेगा डेल्टा c अपॉन सी इसका मीनिंग क्या होता है देखो कुछ कुछ नया नहीं है मेरे दोस्त जो भी पावर आता है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है नथिंग एल्स वो पावर डिनोमिनेटर में हो वो पावर न्यूमरेटर में हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता देखो प्लस ही आएगा एरर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी ये चीज़ ध्यान में रखना एरर ऑलवेज कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी समझ में आया एग्जाम्पल करेंगे और बढ़िया से आपको समझ में आएगा बोलो कोई प्रॉब्लम अगर आपका यहां पे पावर आ रहा है नेगेटिव वन बाई टू तो आपको वन बाई टू ही लिखना है माइनस का साइन नहीं करना है पावर नेगेटिव हो क्वेश्चन में या पॉजिटिव हो लेकिन आपको तो क्या लिखना है उसमें पॉजिटिव ही पावर डालना है इज इट क्लियर समझ में आया कोई प्रॉब्लम सो दिस वन इज द एरर इन डिवीजन एंड दिस वन इज द एरर इन पावर फॉर्म ओके सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एर ओके आइए चलिए अभी हम लोगों ने देखा इफ़ z इज इक्वल टू ए प्लस भी तो उसमें एरर क्या मिलेगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा b. इफ z इज इक्वल टू ए माइनस भी तो उसमें डेल्टा z क्या मिलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा b. ये दोनों में सेम रहेगा प्लस हो या माइनस हो एरर सेम रहेगी एरर की बात कर रहा हूँ ओके अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन में, में तो एरर क्या मिलेगी डेल्टा जेड अपन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अगर इफ़ जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो भी एरर क्या मिलेगी सेम मिलेगी जो मल्टीप्लीकेशन में मिलती है वो अगर हम पावर की बात करें तो पावर में कुछ नहीं ये जो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा सी अपॉन सी उसके आगे जो भी पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा विथ पॉजिटिव साइन विथ पॉजिटिव साइन इज इट क्लियर ओके देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे सपोज आर वन इज गिवन हंड्रेड प्लस और माइनस थ्री ओम ये एरर है

थ्री हंड्रेड प्लस और माइनस सेवन ओम खेल खत्म सर कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल गया तू कुछ समझ में नहीं आया मेरे को अरे समझ में आया क्या वॉट इज द कनेक्टेड इन सीरीज तो स्टैंडर्ड टेंथ में पढ़ चुके हो ना अगर दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका एडिशन होगा और एडिशन के लिए ये वाला रूल लगेगा ये एरर है ये ओरिजिनल वैल्यू है हम कैसे लिखते हैं Z प्लस और माइनस डेल्टा Z ऐसे लिखते हैं तो Z मीन्स इसका एडिशन 200 हंड्रेड प्लस हंड्रेड थ्री हंड्रेड एर मीन इसका एडिशन सेवन वन इज अवर आंसर इज इट क्लियर हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है okay. आंखों के पास चलो आइए एम वन एम वन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन प्लस और माइनस पॉइंट फाइव एम टू इज इक्वल टू सेवन पॉइंट सिक्स प्लस और माइनस पॉइंट थ्री ग्राम वॉट इज द सम देखो दिया है सम तो कुछ नहीं सम करना है तो सम कर दो इसका और इसका एडिशन ट्वेंटी थ्री सेवन प्लस सिक्स इसके ऊपर वन गया वन इसके ऊपर वन गया थर्टी वन पॉइंट थ्री प्लस और माइनस पॉइंट एट ग्राम दिस वन इज योर आंसर है कुछ नहीं यार बहुत लल्लू जैसा एग्जाम्पल है समझ में आया क्या दिस वन इज आंसर अगर सब्सट्रेक्शन बोला होता तो चलो सम नहीं मुझे करना है सब्सट्रेक्शन क्वेश्चन सेम है बोला है तो क्या करते हैं आप तो यहाँ पे करते हैं m इज इक्वल टू इसका और इसका सब्सट्रैक्शन सेवन माइनस सिक्स पॉइंट वन और यहाँ पे थर्टीन थर्टीन माइनस सेवन यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 17 बनेगा क्या सिक्सटीन बनेगा सिक्सटीन पॉइंट वन प्लस और माइनस एरर तो ऐड ही होगी पॉइंट एट समझ में आ रहा है क्या ग्राम सर समझ में आया मेरे दोस्त इज इट क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं ना एरर में ऑलवेज क्या होगा एडिशन होगा ये जो मेन वैल्यू है उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है लेकिन एरर ऑलवेज ऐड होगी किस केस में पॉजिटिव और सो मींस प्लस और माइनस के केस में इज इट क्लियर पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन नोट कर लो समरी और ये एग्जाम्पल ओके आइए चलिए दोनों ही बहुत बढ़िया दोनों ही बहुत सुपर एग्जाम्पल है देखते हैं इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है आर इज इक्वल टू वी अपन आई वी दिया है आई भी दिया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर परसेंटेज एरर का मीनिंग होता है डेल्टा आर अपन आर इन हंड्रेड परसेंटेज ये हमें फाइन करना है ठीक है क्या फाइन करना है डेल्टा आर अपन पहले तो इसमें कौन सा रूल लगेगा वो देख लो तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि यहां पे जो रूल लगने वाला है वो डिवीजन का रूल है तो डिवीजन का रूल में एरर का क्या फॉर्मूला था याद करो डेल्टा आर अपन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई कुछ समझ में आ रहा है क्या डेल्टा वी अपन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई डिविजन ये z है ये a है ये b है बस वही तो मैंने लिखा है इज इट क्लियर तो इसमें पहले मैं डेल्टा r अपन आर फाइन कर लूंगा बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा ठीक है डेल्टा v कितना दिया है डेल्टा v इज गिवन फाइव इसको हम बोलेंगे डेल्टा v इसको हम बोलेंगे v v कितना दिया है हंड्रेड प्लस डेल्टा आई कितना दिया है पॉइंट टू और आई कितना दिया है हमें टेन इज़ इट क्लियर तो यहाँ पे देखो टू बाई टेन हो जाएगा सो वॉट इज द आंसर सेवन अपन हंड्रेड अरे फाइव अपन हंड्रेड प्लस टू अपन हंड्रेड सेवन अपन हंड्रेड ये क्या मिल गया मुझे डेल्टा आर अपन आर कितना मिला मुझे जीरो पॉइंट जीरो सेवन मुझे परसेंटेज में चाहिए तो इसका परसेंटेज निकाल लो बोलो कितना आंसर आएगा सेवन परसेंटेज इज योर आंसर अरे समझ में आया क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना हाँ जी सर एक बार और रिपीट कर दो

परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा होता डेल्टा रो ओपन रो ठीक है हाँ जी सर समझ में आ रहा है आइए चलिए नेक्स्ट वन इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इन दिस क्वेश्चन ऐसा पूछा है एरर इन साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब देखो यहां पे लेट मास इज इक्वल टू एम एंड साइड हमने क्या ले ली एल ले ली ठीक है तो व्हाट इज द चेंज इन डेंसिटी डेंसिटी में हमें परसेंटेज चेंज अगर नहीं पूछा है तो परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हो आप तो परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू तो पहले तो रिलेशन तो निकालो मैं ऐसा लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लेकिन वॉल्यूम तो नहीं दिया है लेकिन साइड इज गिवन सो वी विल राइट एम अपॉन वॉल्यूम में कितनी साइड होती है थ्री सो वी विल राइट एल इन टू एल इन टू एल एल क्यूब समझ में आ रहा है क्या ओके okay, सो so क्या लिखेंगे डेल्टा रो अपन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम देखो यहाँ पे पावर वाला रूल लगेगा क्या बोला था प्लस माइनस कुछ नहीं देखने गए ओनली प्लस पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो थ्री इन टू डेल्टा एल अपॉन एल हाँ जी सर आप तो एक से एक एग्जाम्पल कराते जा रहे हो अच्छी बात है चलो डेल्टा एम अपॉन एल ये ऑलरेडी परसेंटेज एरर ये जो एरर दिया है वो किस में दिया है परसेंटेज में दिया है तो हमारा माइंड चलना चाहिए कि हमें परसेंटेज एरर ही फाइंड करनी है सो दिस वन इज हाउ मच थ्री परसेंटेज प्लस ओके पहले कौन सा मास दिया है तो पहले मास लिखा बाद में फोर सॉरी थ्री इंटू लेंथ में दिया है फोर परसेंटेज देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है उसने इसलिए नहीं पहले साइड दिया है साइड में थ्री परसेंटेज है तो मैंने उल्टा लिख दिया क्या ओके okay, तो साइड में यहाँ पे आ जाएगा थ्री परसेंटेज और यहाँ पे आ जाएगा मास में फोर परसेंटेज हाँ जी सर ये थ्री थ्री जन नाइन प्लस फोर वॉट इज द आंसर थर्टीन परसेंटेज का टोटल चेंज आएगा किस में वॉल क्यूब uh, में अरे समझ में आ रहा है वोट टाइम सर बोरिंग फील हो रहा है ऐसा नहीं ना बोर नहीं हो रहे हो ना अगर बोर हो रहे हो तो वीडियो लेक्चर स्टॉप करके रख दो साइड में फ्रेश माइंड में फिर से देखना है. तब भी माइंड में जाएगा इज इट क्लियर समझ में आ रहा है क्या ओके okay? नोट कर लो ओके okay, आइए चलिए ये दोनों भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है ध्यान से समझना ओके okay? द एरर इन रेडियस ऑफ स्फियर टू परसेंटेज देखो यहां परसेंटेज रेडियस ऑफ स्फियर में टू परसेंटेज का एरर दिया है मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर इन इंटू हंड्रेड परसेंटेज इज गिवन इन टू हंड्रेड इज गिवन टू परसेंटेज अगर वाइज हंड्रेड नहीं लिखते सीधा परसेंटेज लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस वन इज गिवन टू परसेंटेज इज इट क्लियर वॉट वुड बी द एरर इन वॉल्यूम तो स्पीयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ द स्फियर इज इक्वल टू फोर बाई थ्री Cube. 4 by 3 cube. Okay? Now see here, ये है ना, constant quantity है, ना इसको इसको करो. जब error find करेंगे तो हम ध्यान में नहीं लेते ठीक है? तो पे पे V और पावर वाला फंडा लगेगा V का एरर क्या रहेगा डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू पावर का फंडा क्या रहता है पावर आगे आ जाता है इन टू डेल्टा आर अपॉन आर दैट सीट समझ में आया आगे एक बार देखो सी हियर अगर आप परसेंटेज एरर दी गिवन है तो परसेंटेज एरर गिवन है टू परसेंटेज वॉल्यूम में एरर फाइंड करना है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इसको एलिमिनेट करो कोई काम का नहीं है जो भी पावर है आर क्यूब क्या है पावर आर क्यूब तो पावर आगे डेल्टा आरअपन आर मैंने आपको बताया था पावर का रूल अरे दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं है वरना प्लस में और कुछ क्वांटिटी आ जाती है लेकिन यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है रेडियस तो हमने सिर्फ रेडियस लिखा आर का क्या बनेगा डेल्टा आरअपनआर और ये जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगा आगे आ जाएगा थ्री डेल्टा आरअ एन आर बस आपको गिवन है टू परसेंटेज सो थ्री इंटू टू वॉट इज द आंसर सिक्स परसेंटेज इज योर आंसर अरे समझ में आया वॉट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम तो सिक्स परसेंटेज का चेंज होगा इज इट क्लियर कोई प्रॉब्लम हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है चलो इफ द परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ अ मास एंड स्पीड ओके कुछ नया आने वाला है यहां पे डेल्टा एम अपॉन एम इंटू हंड्रेड परसेंटेज इज गिवन कितना दिया है हंड्रेड टू परसेंटेज दिया है क्या ओके okay. और क्या बोला है उसने स्पीड में चेंज दिया है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू हंड्रेड वो कितना दिया है थ्री परसेंटेज दिया है तो हमें पूछा है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है हाफ एम वी स्क्वायर देखो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है हाफ को इग्नोर करो वी विल राइट डेल्ट के ई अपन सॉरी डेल्टा के अपॉन के डेल्टा के मीन्स चेंज अपन ओरिजिनल परसेंटेज में पूछा है तो हंड्रेड लिखो अच्छा लगेगा उन लोगों को भी जो पेपर चेक करेगा वो ठीक है मास मास में चेंज दिया है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू हंड्रेड प्लस देखो पावर आ, आगे आ जाएगा टू डेल्टा वी अपॉन वी इन टू हंड्रेड तो ये पूरा परसेंटेज फॉर्म में एरर है ये पूरी परसेंटेज फॉर्म में एरर है दिस वन इज योर आपको क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है टू परसेंटेज तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू परसेंटेज प्लस सही है ना स्पीड में कितना दिया है टू इन टू डेल्टा वी अपॉन वी थ्री परसेंटेज तो यहाँ पे आएगा थ्री परसेंटेज थ्री टू जिक्स सिक्स प्लस टू एट सो वॉट इज द आंसर योर फाइनल आंसर इज एट परसेंटेज तो टोटल कितना एरर आएगा काइनेटिक एनर्जी में एट परसेंटेज का एरर आएगा अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो इज़ इट क्लियर होमवर्क में करोगे ऐसा करना ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एग्जाम्पल एरर के ऊपर हम लोग देखेंगे आज खत्म नहीं करने वाले हैं टेंशन मत लो नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे इज इट क्लियर ओके सो प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देता हूँ वो ट्राई करना ओके थैंक यू थैंक यू सो मच